खबर डोईवाला से। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और पंचायती राज विभाग ने आरक्षण पर डोईवाला में राजनीतिक और सामाजिक लोगों के साथ की चर्चा। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आज राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हुआ जन जागरूक कार्यक्रम और जन सुनवाई, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पंचायती राज सचिव के साथ नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डोईवाला से लोक जनयो संवाददाता आशीष यादव की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के मामले में जिसमें ये डायरेक्शन हुई है, ये जो ओबीसी है उसका पॉलिटिकल पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन का भी आंकड़े आने चाहिए, इसलिए कमीशन का गठन हुआ है। अनुबंध जन्य आंकड़े प्राप्त करने होंगे, इसलिए डिटेल सर्वे हो रहा है। और जब तक ये रिपोर्ट कमीशन की नहीं होगी तब तक अगले चुनाव में ये आरक्षण जो है वो शून्य माना जाए, वही जजमेंट में व्यवस्था है। तो इसलिए आयोग उस आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद ही अपनी संस्तुति करेगी कि जब प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को स्थानीय निकाय में मिलना चाहिए, ये काम है इसका। जो जनता से तो जो सहयोग की अपील है कि जो लोग रह रहे हैं वो अपने बारे में बतावें कि हम पिछड़ी जाति से हैं, और हम जो आंकड़े भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं सभी निकाय से कि कौन लोग पहले ओबीसी के चुनाव लड़े, जनरल सीटों पे हारे या जीते, जिससे पता लग सके वो वास्तव में पिछड़े हुए हैं या नहीं है। ये आधार है लोगों ने अपनी मांग रखी है। आज की सुनवाई में हम लोग जन सुनवाई में आए थे, राज्य में भ्रमण कार्यक्रम किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। उसमें कई लोगों ने शिकायतें की हैं, कई तरह की दिक्कतें कमियां बताई हैं। मैंने कहा है कि उसको लिख करके दें, हम उनका संज्ञान देंगे, राज्य सरकार को सूचित करें, उसका समाधान। नहीं, जो पॉलिटिकल आरक्षण, जो पॉलिटिकली रूप से पिछड़े हुए हैं, आयोग के पास जो मैंडेट है वो पॉलिटिकली पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए है। बाकी जो आर्थिक और सामाजिक सेक्शन संस्था के लिए जो आरक्षण प्राप्त है, जो उसमें। खबर अच्छी लगी हो तो लोक जन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।